हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल योर इंडियन फूडी। एक और नया दिन, एक और डिश के साथ आज मैं हम सभी की फेवरेट स्ट्रीट फूड कुरकुरे मोमोज की रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रेसिपी है, बट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टेस्ट होता है। बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आता है, बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले मैंने स्टीम मोमोज और मोमोज मंचूरियन की रेसिपी भी शेयर करी है, आप ऊपर आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्पेशल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मोमोज की स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और अभी मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और इन्हें हल्का सा हम भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन चिलीज को ऐसे कट करके ऐड करूंगी और इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 प्याज को ऐसे बारीक कट करके ऐड करूंगी। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर ले रहा है। तो यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे न्यूट्रिला ऐड करूंगी। न्यूट्रिला को मैंने पानी में सोख करके रखा था और उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और साथ ही मैं कुछ मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये ग्रेटेड पनीर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो केवल पनीर की भी स्टफिंग बना सकते हैं या फिर केवल न्यूट्रिला की भी स्टफिंग बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो वेजीज की भी स्टफिंग बना सकते हैं। ज्यादातर जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो वेजीज की स्टफिंग बनाते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे साइड में। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी डो रेडी करेंगे। तो डो के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और लगभग 3-4 ड्रॉप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो डो है वो रेडी हो गया है। अभी हम इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो कुरकुरे मोमोज के लिए मैंने यहाँ पे ये कॉर्नफ्लेक्स ले लिया है। कॉर्नफ्लेक्स को हाथों से ही हमें एकदम अच्छे से क्रश कर लेना है, ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना है वरना ये पाउडर बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, अभी मैं इसे साइड में रखूंगी। अभी नेक्स्ट हम बनाएंगे स्लरी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा लिया है और इस मैदे में मैंने 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है कलर के लिए और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मोमोज बनाएंगे। तो डो को एक बार हम मसल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डो लेकर हम एक बड़ी सी पूड़ी रोल करेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी पूड़ी रोल कर सकते हैं, बट इस तरीके से ये थोड़ा सा इजी होता है और टाइम भी आपका बच जाता है। तो अभी मैंने एक कटोरी ले ली है, इसे मैं ऐसे कट कर लूंगी। आपको जितना भी बड़ा मोमोज बनाना है उस हिसाब से आप पूड़ी कट करें। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अभी एक्स्ट्रा डो को हम निकाल लेंगे और अभी एक पूड़ी पे मैंने ये स्टफिंग रखी है। उसके बाद मैं इसे सील करूंगी। एकदम इजीली आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, जिस भी शेप का आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जो कुरकुरे मोमोज होते हैं वो जनरली इसी शेप के मिलते हैं मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसे एक के ऊपर एक फोल्ड करके सील किया है। तो यहाँ पे ये मोमोज रेडी हो गया है। अभी एक एक करके मैं सारे मोमोज ऐसे बना लूंगी। तो यहाँ पे मेरे सारे मोमोज रेडी हो गए हैं। अभी हम इस पे कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लरी मैंने ले लिया है और इसमें ये मोमोज डिप करूंगी और स्पून के हेल्प से इसे निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी स्लरी है उसे निकाल कर हम ऐसे कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करेंगे। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है इस टाइम पे। ये बहुत ही ट्रेंडिंग मोमोज है। हर आपको स्ट्रीट वेंडर के पास ये कुरकुरे मोमोज जरूर मिल जाएंगे। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने इसे कोटिंग कर ली है। अभी एक एक करके मैं सारे मोमोज पे ऐसे ही कोटिंग कर लूंगी। तो मेरे सारे मोमोज रेडी हो गए हैं।
अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे, बट 10 मिनट हमें इन्हें रेस्ट के लिए रखना है, 10 मिनट बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, अभी फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे मोमोज फ्राई हो गए हैं, अभी मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, बाकी ही मोमोज को भी फ्राई कर लेंगे। बारिश हो रही हो और गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। मैंने इसे मोमो की रेड स्पाइसी चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व किया है। आपको मेरे चैनल पे मोमो की चटनी की रेसिपी भी मिल जाएगी, आप ऊपर आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आज की ये रेसिपी पसंद आए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।